श्रीराम बताओ यस पास्ता कैसा बना है बेटा। बहुत अच्छा बना है। सीरियसली? सीरियसली थैंक यू। हे गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डिटल की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ इंडियन स्टाइल पास्ता। तो चलिए देखते हैं कि इस इंडियन स्टाइल पास्ता को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने इस पैन में पानी उबालने को रखा हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा ये ऑयल ऐड करूंगी और साथ ही साथ ऐड करूंगी ये नमक। और इसमें मैं ये 1 कप पास्ता डालकर इसे उबलने देती हूँ। मुझे इस पास्ता को मीडियम फ्लेम पे हार्डली 6 से 7 मिनट तक उबालना है। जब तक ये पास्ता उबल रहा है आप बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स भी देख लीजिए। मैंने लिया हुआ है 2 मीडियम आकार का शिमला मिर्च, 3 छोटे आकार के प्याज, 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स, 3 गाजर, 2 टमाटर, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, कुकिंग ऑयल, टमाटो सॉस, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, नमक, ऑरिगेनो, पेपर और ये पास्ता मसाला। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जब तक मेरे ये पास्ता जो है बॉयल हो रहे हैं मैं सब्जियां काट लेती हूँ। इन सभी सब्जियों को मैं बहुत ही बारीक कट करने वाली हूं। मैंने सारी सब्जियों को बारीक कट कर लिया हुआ है और मेरा पास्ता भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब मैं गैस बंद करके इस पास्ता को इसके पानी को निकाल लेती हूँ। और एक बार इसे ठंडे पानी से बस धो लूंगी। मैंने इस पास्ता का पानी जो है वो ड्रेन कर लिया है। अब वापस से हम गैस ऑन करेंगे और उसी पैन को मैंने गैस के ऊपर रखा हुआ है। पैन गरम हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून तेल। गैस की फ्लेम जो है मैंने हाई पे रखी हुई है। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये अदरक, माफ कीजिएगा, लहसुन और हरी मिर्च डालूंगी और इसे आधे मिनट के लिए तल लेती हूँ। अब इसमें मैं ये बाकी की सारी सब्जियां एक साथ ही डाल दूंगी। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, फ्रेंच बीन्स और टमाटर, माफ कीजिएगा मैंने गाजर डालते वक्त भी टमाटर ही बोल दिया है। तो मैंने एक बार टमाटर डाला है और एक बार गाजर डाला हुआ है। गैस की जो फ्लेम है वो हमें हाई पे ही रखनी है। इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दे रहे हैं पहले ही, जिससे कि ये सब्जियां जल्दी गल जाएंगी। इन सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लेना है। इन सब्जियों को भूनते हुए करीब 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस, 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 से 1.5 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स,
छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स, ये मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो और 1 सैशे पास्ता मसाला। और माफ कीजिएगा, मैंने आपको बताया था, देखा भी आपने कि मैंने 1 कप पास्ता बॉईल किया हुआ था, बट किसी वजह से मुझे पास्ता की क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी पड़ी थी, तो मैंने 1 कप के बजाय 2 कप पास्ता फिर बॉईल किया हुआ है। अब इन सब चीजों को हमें अच्छी तरह से 2 मिनट तक मिक्स करके पका लेना है। गैस की आंच अभी मैंने मध्यम रखी हुई है। इन सब्जियों को सॉस के साथ पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये उबले हुए पास्ता ऐड करूंगी और इन्हें भी वापस से अच्छी तरह से 5 मिनट तक मिक्स करके पकने देती हूँ। हमें इन्हें 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और वापस से 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे गैस की आंच धीमी करके पका लूंगी। ये पास्ता अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ऊपर से ही 1 छोटा चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल मिक्स करूंगी। और इसे भी अच्छी तरह से पास्ता में मिक्स कर लूंगी। अब ये मेरा इंडियन स्टाइल पास्ता जो है खाने के लिए रेडी है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये मेरा इंडियन स्टाइल पास्ता खाने के लिए बिल्कुल तैयार है एंड आई होप आपको इसकी रेसिपी भी पसंद आई होगी और आप भी इसे एक बार अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।